हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट द रेट सर्वर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। जैसे कि आप देखते ही होंगे, एमटीएस का भी नोटिफिकेशन आ गया, सीजीएल का तो एडमिट कार्ड भी सब डाउनलोड कर लिया, कब किसका कहाँ है सबको पता चल गया है। बस अब बढ़िया से तैयारी कीजिए, एकदम जी जान लगा दीजिए तैयारी में, ठीक है। और एमटीएस का एक अलग से रोड मैप बनाइए। बहुत कोई ऐसा भी बंदा रहता है जिसका मैथ्स जीआई थोड़ा सा वीक है, या फिर उतना दूर पहुंचने में सीजीएल तक थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो लोग थोड़ा सा अपना स्ट्रैटेजी चेंज करके मैथ्स जीआई तो करते रहना है, तैयारी करते रहिए, बट थोड़ा सा एमटीएस के लिए भी जीके को थोड़ा बढ़ाइए, इंग्लिश को थोड़ा सा बढ़ाइए, क्या जॉब मिलना बहुत ज़रूरी है। और पता नहीं अगला साल इतना वैकेंसी वगैरह क्रिएट भी होगा कि नहीं, ठीक है। तो आज हम लोग अपना टॉपिक में आ जाते हैं, वीडियो में। आज का जो वीडियो है ये मैं मेरी जो सिस्टर्स है या बहनें जो हैं सब्सक्राइबर्स, उनको डेडिकेट करता हूँ, बट ये इम्पोर्टेंट भाई बहन सबके लिए, ओके। ये कुछ कुछ इम्पोर्टेंट महिला का बारे में मैं बात करूँगा। हिंदुस्तान में जैसे कि चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और जजेस, कौन पहली महिला बनी और कौन, कुछ कुछ खास बात मैं करने जा रहा हूँ। तो ये क्या है ना, ये आपका हर चीज़ में काम आएगा, एमसीक्यू वाले एग्जाम में तो काम आएगा ही आएगा। उसके बाद फिर आपका अगर डिस्क्रिप्टिव कभी कुछ लिखना रहा तो ये इसमें से पॉइंट काम आएगा, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट आ गया या और कुछ आ गया, और इंटरव्यू में भी बहुत काम आएगा, ओके। WBCS का हो या किसी भी इंटरव्यू में बहुत काम आएगा, तो उसको गौर से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है आज का, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले आ जाते चीफ मिनिस्टर। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारा स्टेट है, तो इतिहास मतलब जब से देश स्वाधीन हुआ है, हमें इंडिपेंडेंस मिला है, तब से लेके आज तक सिर्फ 16 वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी है, ओके, याद रखेंगे। और सबसे पहली चीफ मिनिस्टर कौन थी फीमेल, उनका नाम था सुचेता कृपलानी, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनी थी। और ये जो सुचेता कृपलानी थी, जब हमें देश में आज़ादी मिला 14 अगस्त का रात में, जो नेहरू जी का जो एक बहुत ही महान स्पीच था, ट्रायस्ट ऑफ डेस्टिनी, उससे ठीक पहले यही सुचेता कृपलानी जी वंदे मातरम गाना को गाती हैं, याद रखेंगे। अच्छा, पहली मुस्लिम महिला चीफ मिनिस्टर कौन थी, मुस्लिम लोग को तो बहुत ही देखा जाता है, जो बहुत ही पिछड़ा माना जाता है, तो हालांकि बहुत आगे आया है और भी आना बाकी है, पढ़ाई लिखाई करते रहना है। तो ये जो चीफ मिनिस्टर पहली मुस्लिम महिला चीफ मिनिस्टर थी, उनका नाम है अनवरा तैमूर, ठीक है, और ये असम के चीफ मिनिस्टर थी। बहुत अच्छा टॉपिक है, याद रखेंगे। और दूसरी और आखिरी माने अभी तक का, और ये जितना भी मैं बता रहा हूँ ये आज तक का रिपोर्ट है, यानी कि जुलाई 2023 तक का है, आने वाला टाइम में अगर कोई बना, बट अभी तो बहुत ही मुश्किल दिख रहा है हमको, आने वाला कोई बनेगा भी कि नहीं। तो दूसरी मुस्लिम महिला और आखिरी मुस्लिम महिला कौन रही, महबूबा मुफ्ती, जो कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थी, और इनका पार्टी का नाम है PDP, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जम्मू कश्मीर का। और इनके जो पिताजी थे वो भी मुख्यमंत्री थे, उनका नाम क्या था, मुफ्ती मोहम्मद सईद। मैंने एक वीडियो बनाया भी था, बाप बेटा वाला CM, उसमें इनका भी जिक्र है, ओके। और ये जम्मू कश्मीर के आखिरी चीफ मिनिस्टर भी है, एज ए स्टेट जब तक था, 2019 का अगस्त में तो उसको UT बना दिया गया ना, तो आखिरी चीफ मिनिस्टर UT बनाने का पहले तक, 370 हटने का पहले तक यही थी, कभी भी पूछा जा सकता है। और इनकम्बेंट्स माने अभी एकदम फिलहाल कौन मुख्यमंत्री है महिला, सिर्फ एक है, जी हाँ, हमारे वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर, हमारी सबकी प्यारी दीदी ममता बनर्जी, ओके। और भी कुछ नोटेबल्स जिन लोग अभी तक बने हैं, उनमें से बहुत सारे नाम है, जैसा दिल्ली की NCR दिल्ली जो है, उसकी 2 बार मुख्यमंत्री महिला बन चुकी है, पहले सुषमा स्वराज जी, फिर शीला दीक्षित। अच्छा, तमिलनाडु की जयललिता, आपने मूवी देखा ही होगा, एक मूवी आया था कंगना रनौत जी का। अच्छा, मायावती उत्तर प्रदेश से बनी थी, उनका पार्टी का नाम BSP, हाथी मार का। अच्छा, राबड़ी देवी बिहार का मुख्यमंत्री बनी, उमा भारती मध्य प्रदेश का, और वसुंधरा राजे जी ये राजस्थान का बनी, और गुजरात का कौन बनी थी, आनंदीबेन पटेल, ओके। और 2-4 नाम है, मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मैंने पूरा 16 ही हो जाएगा। अच्छा, अब आते गवर्नर, फीमेल गवर्नर, यानी कि हमारे स्टेट का जो, जैसे कि सेंट्रल का, पूरा इंडिया का जो सेंट्रल है उसका हेड कौन रहता, प्रेसिडेंट, वैसे ही हर स्टेट में एक एक गवर्नर होता है। तो गवर्नर जनरल के बारे में मैंने जो कल शाम में एक ये दिया था शॉर्ट, उसको जरूर देखिएगा, वो हमेशा कंफ्यूज करता मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली गवर्नर थी महिला, उनका नाम था सरोजिनी नायडू,
जी हाँ, वही सरोजिनी नायडू जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली इंडियन महिला प्रेसिडेंट बनी थी। सन 1925 में बनी थी कानपुर सेशन में, ये बाय प्रोडक्ट है इसे याद रखिएगा। और ये गवर्नर बनी थी यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि उत्तर प्रदेश का, पहले उसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस था। और इनकी ही बेटी पद्मजा नायडू, इनकी बेटी थी पद्मजा नायडू, वो हमारे वेस्ट बंगाल की पहली महिला गवर्नर बनी थी और एकमात्र, अभी तक अगर कोई महिला गवर्नर वेस्ट बंगाल कभी नहीं बना। और इनके ही नाम से पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो कि दार्जिलिंग में है, मैं वहां गया था, अगर किसी को सबूत चाहिए तो बोलना, मैं आपको फोटो भेज दूंगा। ओके, और पहली मुस्लिम गवर्नर कौन थी महिला? जी हाँ, फातिमा बीवी, ठीक है, तमिलनाडु सरकार में ये गवर्नर बनी थी। और इनकम्बेंट्स आज के दिन में तीन गवर्नर है जो कि महिला है, ये मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था। एक अनुसुईया उकई जो कि मणिपुर की है, जहां बहुत ज्यादा झमेला झगड़ा चल रहा है। एक का नाम है आनंदीबेन पटेल जो कि अभी मैंने कहा गुजरात की चीफ मिनिस्टर भी बनी थी, और ये उत्तर प्रदेश की आज की गवर्नर है महिला। और एक है तमिल सई सौंदरा राजन, ये डॉक्टर भी है, ये तेलंगाना की गवर्नर है, ठीक है। और ये जो है तमिल सई सौंदरा राजन, ये पुडुचेरी की ये भी है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बोला जाता है वो भी है, ठीक है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं और भी कुछ वोमेन के बारे में, जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में, ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। अच्छा, हमने गवर्नर के बात किया, वैसे ही जो हम लोग का यूटीज है वहां पर क्या होता है, उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बोला जाता है कहीं कहीं, ठीक है। तो जो सबसे पहले वुमेन लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी थी उनका नाम था चंद्रवती, ठीक है, और ये पुदुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी थी। एक्चुअली अभी तक जितना भी लेडीज यानी कि फीमेल लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है सब पुदुचेरी की बनी है, ओके। और ये जो अभी मैंने बताया आपको तमिल से ही सुंदरा राजन, वही की है पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर। और यही की लेफ्टिनेंट गवर्नर इससे पहले कौन थी? जी हाँ, उनका नाम था किरण बेदी, जो कि हमारे हिंदुस्तान की पहली महिला आईपीएस भी थी, ये बाय प्रोडक्ट है, अच्छा से याद रखिएगा। अब जजेस के बारे में आ जाते हैं, इसमें अच्छा से गौर से सुनना होगा, स्किप करिएगा या स्पीड बढ़ाइएगा तो नहीं समझ में आएगा। पहली महिला जज, ठीक है, प्लस पहली महिला हाई कोर्ट की जज, क्लियर है, ये कौन थी? अन्ना चांडी, केरला हाई कोर्ट में ये बनती है, ओके। अच्छा, अब आता है पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, वो सिर्फ जज बोला मैंने, हाँ ठीक से सुना। तो अब पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी? वो बनी लीला सेठ, जो कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी थी, ठीक है। और ये किसकी मम्मी है? ये विक्रम सेठ, वो जो सुटेबल बॉय एग्जाम में भी आया था एमटीएस का, और मैंने कराया भी है, जो सुटेबल बॉय का जो राइटर है विक्रम सेठ, उसकी ही ये वालिदा या मम्मी है, अम्मा मम्मी जो भी कहिए, लीला सेठ, ओके। और इनका लिखा हुआ जो ऑटोबायोग्राफी है उसका इंग्लिश में नाम है ऑन बैलेंस, और हिंदी का नाम है घर घर और अदालत, ठीक है। और भी दो इनका फेमस किताब है, एक का नाम है वी द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, जैसे संविधान में बोला है ना वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसी का इसमें से इन्होंने लिखा वी द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, और एक का नाम है टॉकिंग ऑफ जस्टिस, ठीक है, लीला सेठ हो गया। अब आता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की पहली फीमेल चीफ जस्टिस, नहीं, सुप्रीम कोर्ट की पहली फीमेल जज, चीफ जस्टिस अभी तक कोई भी फीमेल नहीं बना है, पहली फीमेल जज ये कौन थी? इनका नाम था, अभी मैंने थोड़ा देर पहले भी बताया, फातिमा बीवी, ठीक है। और ये इत्तेफाक देखिए, एशिया की भी सबसे पहली माने जज बनती है सुप्रीम कोर्ट की, ओके, एशिया की भी और इंडिया की तो है ही। और ये कहां से थी? इनका जो होम स्टेट है ये केरला से थी, ओके। और इनका ऊपर ही एक डॉक्यूमेंट्री जो पिछला 8 मार्च गया इंटरनेशनल वुमेन्स डे, मलयालम में एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज किया था, ये आपका सीए में आ सकता है, उसका नाम था अ ब्रेव वुमेन ऑन द पाथ ऑफ जस्टिस, ठीक है, मलयालम में ये डॉक्यूमेंट्री बना था, हो गया। तो अब तीन इनकम्बेंट सुप्रीम कोर्ट का जजेस है जो कि महिला है, एक का नाम है हिमा कोहली, एक का नाम है बेला त्रिवेदी, और एक का नाम है बीवी नागरत्ना। ये जो बीवी नागरत्ना है इनका चांस है पहली महिला चीफ जस्टिस बनने का, अगर ये अपना पूरा टर्म कंप्लीट करती है, वहां जो कॉलेजियम सिस्टम है एक सीनियरिटी का सिस्टम रहता है, तो इसमें इनका बनने का पूरा चांस है, ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था मेरे ख्याल से, आपको हमेशा जिंदगी में काम आएगा, हर मोड़ में काम आएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यार बांटे, खुशियां बांटे और ज्ञान तो जरूर बांटे।